RCFL की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आप सभी के लिए। इसमें क्या है, हर वैकेंसी है, अब मतलब कि हर लेवल की वैकेंसी है, 10, 12 सभी के लिए वैकेंसी है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। इसमें जो पोस्ट है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी असिस्टेंट, रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूटिव, अटेंडेंट ऑपरेटर, बॉयलर अटेंडेंट, हॉर्टिकल्चर अटेंडेंट, वेल्डर, हाउसकीपर, हॉस्पिटल एंड ऐसी बहुत सारी पोस्ट है। टोटल इसमें क्या है आपकी 408 वैकेंसी है। एंड इसमें अदर क्राइटेरिया की बात करें, जैसे लाइक आपकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी आपकी 7000 से 9000 रुपये के बीच में रहने वाली है। एंड इसमें क्या है, सैलरी इतनी है, प्लस आपको कुछ अलाउंसेस मिल जाते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, PWD हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें क्या है आपका 18 साल तो मिनिमम हर एज में मोस्टली होता है, लेकिन जो मैक्सिमम है 25 साल है। तो आपकी कितनी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते, जैसे ये मैंने आपको बोला था, इसमें क्या है 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हो या फिर जिनका कंप्लीट होने वाला है, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, जस्ट नॉट मैटर। एंड इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट डेट के रहने वाले, इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है आपकी इंपॉर्टेंट डेट, आप 24 अक्टूबर से क्या है इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अगर चाहे तो इसके लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो नवंबर में रहने वाली है, नवंबर की 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट। तो आप 7 नवंबर 24 तारीख से लेके, मतलब इसे इसके स्टार्ट है 7 नवंबर तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी को लेके आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दूंगी। एंड आपको अगर और कोई भी, अगर और किसी वैकेंसी से रिलेटेड भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।